आजकल फोन पे ही फिल्म करना पड़ता है, और इतनी खुली खुली कुर्ती लगाई हुई है मैंने, ऐसे लग रहा है अगर मतलब सही से है तो ये ड्रॉप शोल्डर, वो उसको क्या बोलते हैं आजकल खुला खुला फैशन चला हुआ है जो, तो अगर ये मतलब मेरे जैसे तीन बंदे इसमें आ सकते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ शादी में, हाँ हम एक शादी में जा रहे हैं, तो मढ़ोट में वो शादी, और इवन के मढ़ोट में फर्स्ट एवर टाइम होगा मैं एक व्लॉग बना रहा हूँगा, और कैमरा होता तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थोड़ा फील करता, चलो फ़ोन पे भी चल जाता, फ़ोन का किसी को पता नहीं चलता। तो वहाँ से दादी जी गए थे कल, तो एहसन भी साथ में था, तो उन्होंने कल ही मेरे को बोला कि चल 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 चल, काफ़ी देर वो यहाँ पर भी रुके रहे। मसला असल में यूँ हुआ कि मेरी जो हालत थोड़ी ख़राब थी यार पिकनिक की वजह से, मेरी पूरी कमर दुख रही थी, मैं हाथ ही ये बाजू इतनी ज़्यादा दुख रही थी, इससे मैं पानी डालता था लड़कों के ऊपर, उफ निकलते हैं। क्या धूप लग रही है यार बाहर, आज ही मैंने शादी में था और आज ही यार। ये हालत है कुछ बाहर की, ओए होए कड़क, एकदम कड़क वाली धूप लग रही है आज। निकल तो आया हूँ मैं, पर अभी नेक्स्ट एक ही सर्च रहेगी हमारी, ये कि वो वहाँ की गाड़ी जो है ढूंढनी पड़ेगी। अभी हम हैं जी ईदगाह में, ईदगाह बोलते हैं मढ़ोट में इस जगह को जहाँ पे आके गाड़ी ने लिया है स्टॉप, और यहाँ से ऊपर कुछ 1.5 या 2 किलोमीटर का सफ़र है। अब एहसन को कॉल करी है, दादी को भी कॉल करी है मैंने, देखते हैं क्या होता है, कोई गाड़ी आती है या यहाँ से हमें पैदल इस तपती धूप में चल के जाना पड़ेगा, ये तो शादी वाला माहौल है, ऊपर से बंदा थकी हुई शक्ल लेके अगर वहाँ पर पहुँचे। मैं यार गाड़ी ही नहीं है कोई आज, क्योंकि आज है भी संडे, ऊपर से यहाँ पे भी आके हमें एक सब्सक्राइबर मिल गए हमारे, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से मुझे जो है नेक्स्ट गाड़ी मिलने वाली है ऊपर के लिए, पर यहाँ पे आके कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई एक्सेप्ट इन 4 बच्चों के, और वो पीछे जो रिक्शा है ख़राब सा बेचारा, तो देखते हैं। अभी एक और भाई से पूछा, वो बोल रहे थे गाड़ी आ जाएगी कुछ देर में, एक गाड़ी आई है यार, देखते हैं, मे भी यही गाड़ी है जो वापस जाएगी यहाँ से, इको एज एक्सपेक्टेड, चलते हैं बैठते हैं गाड़ी में। ये कुछ हमारी लोकेशन, वहाँ पे गाड़ी आके लगी है यार, बड़ी खजालत के बाद में यहाँ पे पहुँचा। अभी हम हैं शादी वाले घर पे, मुझे एहसन यहाँ पे मिल गया, हफीज़ भाई से बाहर आके मुलाकात हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे अंदर बैठे हुए, यहाँ पे आके थोड़े गट्स जमा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती, मेरे को शर्म आती है व्लॉग्स बनाने में। खैर इतने आए इतने भी चा दूल्हे साहब हो गए रेडी, पर मेरे को ना वहाँ उठ के यार व्लॉग करने का थोड़ा मन नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे मुझे व्लॉग करते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है सीधी बात बोले तो। चाय के साथ है फैन, क्या और यहाँ पे भी कौन है फैंस, फैंस भाई हर साइड फैन, एक साइड फैन खाने के लिए रखे हुए, फैन चल भी नहीं, यहाँ पे लगा नहीं हुआ फैन, ये तो तीन तीन कर किस्म के फैन हो जाते हैं यहाँ पे। यार अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। मोहम्मद रिहान, और मेरा आप? नाम फैसल फारूक। और आप? आप जहरा कासिम। जहरा कासिम, ये बंदे पहले भी मुझे मिलते रहे सुरनकोट के ग्राउंड में, है ना, आप रोज वहाँ पे खेलने जाते होते हो। खैर अभी उस साइड पे जो है बड़ी खप हो रही थी यार, सीधी सी बात बताऊँ तो ऊपरा चुपरा सा लगता है गाइस, मैं पहले भी बचपन में आया हूँ मैं यहाँ पे, तो तब जो है मतलब इतना खास कुछ पता नहीं, ना ही मैं व्लॉगिंग वगैरह करता होता था, तो आज कितने अरसे कितने सालों के बाद यहाँ पे बंदा वापस आया ना, मतलब ऐसा लगता है कि पहली बार इस घर में तो मैं पहली बार आया हूँ, तो तभी थोड़ा व्लॉगिंग में होता है इंसान को फंबल कर जाता है। कबड्डी 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 ओ भाई, क्या बोला आपने, क्या बोला? शराब लो। शराब क्या होता है? वो होता क्या है? शराब होता क्या है? आपका कोई ताल्लुक नहीं है वायरल हो गया। ओ भाई भाई साहब, इसकी एज में ना मैंने कार्टून्स भी नहीं देखे हुए थे, पता है प्रॉपर वाली बारातें होती थी ना जब मतलब नज़दीक कोई शादी होती है तो थोड़ा पैदल ही जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। खाने पीने का सारा सामान रखा हुआ है, मैंने पहली क्लिप ली और वो कुछ शूट ही नहीं हुई, यहाँ पे नीचे गाड़ियों की पार्किंग वगैरह, अभी ये रोड पक्की नहीं हुई, कुछ ही टाइम उस रोड को निकले हुए, और इधर अंदर जो है मेन अभी फंक्शन चल रहा है। दो यार ये बांधनी पड़ेगी, हाँ ये बांधनी है, ये जम्मू का रवाज है हमारा, तो हम बेसिकली रहते ही जम्मू है, यहाँ तो गर्मी में आते हैं तो इसलिए हमने वहाँ का रूल फॉलो किया हुआ है, तो जम्मू में इसको पग बोलते हैं और यहाँ पे लोग बोलते हैं लुंगी, लुंगी हाँ यहाँ के लोग लुंगी देसी लैंग्वेज में, हाँ देसी लैंग्वेज में, बट हम इसको पग बोलते हैं। ये मैं बांध के मैं इसी में डूब जाऊंगा ना? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे से आपको बांधी जाएगी, कोई इशू नहीं है, वो उधर अंकल हैं बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो बांध देंगे, ट्राई करते हैं ना, अगर
लगी ठीक तो नहीं, नहीं तो मैं इसी में डूब जाऊंगा पूरा। ये ब्रो उधर चल साइड भाई साहब मैंने ये पहली बार असल में लगाई है, तो थोड़ा सा अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि सर के ऊपर इतनी भारी, मतलब भारी नहीं, बड़ी चीज मैंने पहली बार की है, थोड़ा सा नर्वस था। हम नाम के गुज्जर नहीं लग रहे अभी, हम जो होते हैं ना बाई हर्ट गुज्जर लग रहे हैं। मैं इसको इतना ज्यादा हिलाता रही, ये ना पक्का निकल जाएगी, खुल जाएगी, खुलेगी। किसना देख रहे हो आप पीछे, कितने सारे बंदों ने, ऑलमोस्ट सभी बंदों ने पहनी हुई, सिर्फ बच्चों ने मतलब नहीं है पहनी हुई। मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है, अब मैं को चल के सरप्राइज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन लिया हमने, बहुत अच्छी लग रही है। अम्मा अम्मा ने जैसे ही देखी वहां से, पहले तो आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई। मैं इसको ज्यादा देर नहीं पहनने वाला, मैं उतार के जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बारात के साथ ही संभालने की होगी, बारात में नहीं उतारना, वो इतनी देर है, ऐसे अंदर नहीं जाने, कोई बात नहीं, बारात में नहीं उतारना। खैर देखो वो नहीं, ये उठाने नहीं है, आंखों के आगे आई हुई इस साइड से, पता नहीं कैसे इसे संभालने नहीं होगी। वाह भाई वाह वाह वाह, ऐसे तेरे को सही लग रही, पता तू लगा के रख, ठीक है, तेरे साथ मैं भी अंदर चला जाऊंगा। वैसे ओ भाई भाई भाई, कैसे कैसे उथल पुथल हो गए बच्चे, पैसे पैसे ओ पैसे चाचा उतार दिया मैंने भी, और ऐसे नहीं क्योंकि भाई नहीं हो रही थी मैनेज, तो अभी बारात के निकलने का टाइम आ गया, ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली बारात, हम भी चल रहे हैं साथ में, ऐसे ही पैदल जाने वाले हैं यहाँ से, आई गेस यहीं कहीं नीचे तक होगी, तो आगे हो गए बंदे सारे, ये महाराज महाराज हैं हमारे जो ऐसे आगे, भाई किसी को बुला रहे थे, लग नहीं रहा कि वो महाराज है, भाई बंदा है ना, सॉरी ऐसा भाई। अब से आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए हम व्लॉग के लिए भी बोल अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाए। आफिस भाई का एक चैनल है वर्ल्ड देसी एक्सपर्ट करके, जैसे आप वर्ल्ड देसी एक्सपर्ट सर्च करोगे पहले नंबर पे आप ही जी जी बिल्कुल, तो आप डालते हो व्लॉग्स वगैरह। हाँ, तो हमारे जो बाहर के प्लान है वो भी हैं जिंदा या नहीं है, बट जब तक चैनल मोनिटाइज ना हो तब तक आप बाहर नहीं जाऊँगा। अगर चैनल मेरा मोनिटाइज हो जाता है, ये इनके व्यूवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितना जल्दी ये मोनिटाइज कर देंगे और उसके बाद मैं यूरोप के टूर लगाऊंगा पूरी। ये है शादी वाला घर जिसके ऊपर आपको यहाँ पे इतने सारे बंदे दिखाई दे रहे होंगे खड़े हुए हमारे वेलकम के लिए, कुछ बंदे यहाँ पे थे, और ये बारात भी इंटर हो चुकी है। बोल देना मामूजी, मामूजी मामूजी पापा के मामू। पहुंच गए खाना खाने के लिए, आते ही पहले ही आते ही खाना खाने के लिए बैठे, हाँ खाना खा लेते हैं, भूख लगी पहले। शादी वाला घर हमारे पीछे, यहाँ पे आए थे हम, थोड़ा मैं साइड पे यार, थोड़ा समझ रहे हो शांत। निकल आए हम क्योंकि भाई सच बात बोलूँ तो माहौल बड़ा बोरिंग सा हो रहा था, तो मैंने और एहसन ने ये फैसला किया चलते हैं वापस, चल के कुछ देर तक ऊपर ही वहीं पे रेस्ट करेंगे। Much later. ओ भाई इथे आई इथे भी जा, या फिर तू बोल गया ओ भाई इथे आई इथे भी जा जा। वो इधर आए थे हम, जो दादी हैं हमारी, उनके उनके सगे भाई उनके घर पे, वो तो नहीं रहे, पर अभी जो है
यार मैं क्या, मेरे को एक्सप्लेनेशंस नहीं आती, समझ जाओ यार। तो अभी हम उसी घर पे हैं, पुराने वाला घर है ये, हमने प्रेफर किया था यहीं पे बैठना। और दो उधर साइड पे जो है दूसरा वाला मकान भी है, उधर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे जो है मैं बचपन में भी दो बार आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। चाह ख़त्म करके छोटा होता था ना, मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे बैठ के हमने अंदर खाना खाया हुआ है, पता है। अब ये टूट गया, सच में मैं इधर आया था। अभी वक्त के साथ हर चीज़ यार फेड हो जाती है। और ना ही वो दादी के भाई हमारे दादू लगे, इफ़ आई एम रॉन्ग यार मेरे को करेक्ट कर देना अगर गलत है, सॉरी। तो भाई कितना ज़्यादा टाइम हो गया हमें निकलते निकलते निकलते, बस पिछले 3 घंटे से बोल रहे थे हम निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, खैर अभी फाइनली हम निकल आए। हाँ यहाँ पे निकल गया कैसे भी करके, नहीं यार अच्छा था। बाय 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 ऑल बाय बाय। चलो हम बैठे हैं जी जिप्सी के पीछे। काफी आज हमने क्या पिया था, क्या क्या अभी सारे बंदे हम निकल आए यार शादी की जिप्सी में। वो ये क्या उठा उठा के पटक रही है यार। और शादी का एक्सपीरियंस तो एकदम मस्त वाला था। बस यहीं पे करते आज की वीडियो खत्म। प्लीज एंजॉय इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।